नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। अल्मोड़ा की नदी में गिरा गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक, ड्राइवर कंडक्टर की मौत। भारी बारिश से टनकपुर जौल जीबी हाईवे मलबा गिरने से बाधित, लोगों की बड़ी परेशानियां। देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरा पिकअप वाहन, एक युवक की मौत, एक घायल। देहरादून में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे आप कार्यकर्ता, कहा द्वेष की भावना से हो रही राजनीति। श्रीनगर में आवारा पशुओं से मिलेगी निजात, करोड़ों की लागत से तैयार हो रही गौशाला। आप खबर विस्तार से। अल्मोड़ा जिले के सराघाट क्षेत्र में सिलेंडर से लदा एक ट्रक नदी में गिर गया। हादसे में ड्राइवर कंडक्टर की मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे में मृत कंडक्टर की शिनाख्त नहीं हो पाई है। चंपावत में भारी बारिश से पहाड़ी से मलबा आने से टनकपुर जौलजीबी हाईवे बाधित हो गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गाट गदेरे उफान पर आने से कई मार्गों पर आवाजाही कई देर तक बाधित रही। श्रीनगर के पास देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप वाहन खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को आप कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार पर द्वेष की भावना से राजनीति करने का आरोप लगाया। नगर निगम श्रीनगर को जल्द ही 3,21,00,000 की लागत से आधुनिक गौशाला मिलने जा रही है। श्रीनगर के लोगों को नगर में घूम रही निराश्रित गायों से मुक्ति मिलने की उम्मीद अब सरकार होने जा रही है। नगर निगम गंगा दर्शन मोड़ से कुछ आगे 3,21,00,000 रुपए की लागत से आधुनिक गौशाला का निर्माण कर रहा है। देहरादून जिले के विकास नगर में हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने हरबतपुर बाजार चौकी पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि एक हिंदू युवती को दूसरे समुदाय के युवक द्वारा भगाकर ले जाया गया। इस मामले में एक वकील की संदिग्ध भूमिका के चलते हिंदू संगठन के लोगों ने उसके घर पर भी जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है, सरकार के नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। आज से सीआरपी यानी संकुल संदर्भ पर्सन और बीआरपी यानी ब्लॉक संदर्भ पर्सन के करीब 1,000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। प्रवेश के पर्वतीय अंचलों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी की तपिश से राहत मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी जिलों में गरज के साथ साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लक्सर में पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक बाइक चोर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीनगर अलकनंदा नदी में नहाने गया एक आदमी डूब गया, जिसके बाद से ही अलकनंदा नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है। नदी का जलस्तर बड़ा होने के कारण सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।